दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव का जन्मदिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि देश में दलितों और पिछड़ों को आर्थिक व सामाजिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए। इस कार्यक्रम में देश की 85% जनसंख्या जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समाज की है उनकी स्थिति बेहतर बनाने पर विचार रखे गए। इस मौके पर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक फिर से दोबारा डीपी यादव को चुना गया। डीपी यादव ने कहा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है और मैं मरते दम तक देश की सेवा करता रहूंगा। मैं प्रत्येक दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ हमेशा से ही खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। इस मौके पर सुनहरी लाल यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में 85% आबादी दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है और जिनको उनकी आबादी के हिसाब से सभी जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में सुनहरी लाल यादव, इंजीनियर मुकेश यादव, बुद्ध सेन पटेल, पूर्व सांसद त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर कृष्णा यादव, लक्ष्मण यादव तेलंगाना, राम कीरत यादव बंगाल, विशंभर प्रसाद पूर्व सांसद, नूर कुरेशी, विजय यादव पूर्व सांसद, उमलेश यादव पूर्व विधायक, कुणाल यादव भारत यादव पूर्व विधायक, फिरोज खान, आर एन यादव एवं डॉक्टर जितेंद्र यादव उपस्थित रहे। पुनः नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लेकिन बीच में कुछ घटना घटी थी, इस वजह से कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय विधायक जी को बना दिया गया था, तो पुनः चार्ज उन्हें दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और आज उनका जन्मदिन भी है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में NUVC की लड़ाई पूरे भारत में होगी। दबे कुचले लोगों के लिए तो वैसे ही भी अध्यक्ष जी हमारे तैयार रहते हैं, सब लोग जानते हैं अध्यक्ष जी ने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, उन्होंने कभी भी दबे कुचले लोगों ने जहां भी आवाज दी वहां पर तैयार खड़े रहते हैं।